माया जी में आके जो पिंडदान देते हैं वही पुत्र कहलाने का अधिकारी होते हैं। बीच के आगुन लग गए, सर्प घात हो, ये एक्सीडेंट हो, ये मारा जाए, डराव पिंडी खाने दिले और प्राणी के मुक्ति। सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। शियालदा अजमेर एक्सप्रेस में जाएंगे वया एटा हलो ब्रह्माचल, एटा गोड़ाली, एटा अंगूठा। नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी खुश हैं और मजे में हैं, स्वस्थ हैं। आज यहां से हम शुरू करेंगे एक नया एपिसोड। फिलहाल मैं हूं पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में और ये है शियालदा रेलवे स्टेशन। यहां से अभी हमारा जर्नी शुरू होने वाला है। आज हम लोग शियालदा अजमेर एक्सप्रेस में जाएंगे वया। रात को 10:55 से शियालदा रेलवे स्टेशन से ये अजमेर वाली जो ट्रेन है ये खुलेगी और सुबह 6:30 हम लोग पहुँच जाएंगे वया जंक्शन में और वहाँ से शुरू होगा हमारा जर्नी। गया से फिर हम लोग चलेंगे बोध गया, तो ये एपिसोड गया के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू देखते रहिए, बिना स्किप करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जाके आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम लाते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग। ये नज़ारा सुबह का है। रात को 10:55 वाला ट्रेन काफ़ी लेट से शियालदा स्टेशन से खुला, तकरीबन 2 घंटा से भी ज़्यादा लेट करने के बाद आखिर हम लोग सुबह 8:30 अभी गया स्टेशन में घुस रहे हैं। भारत की सभी मेजर रेलवे स्टेशन से आपको गया जंक्शन के लिए सीधी ट्रेन मिल जाएगी और गया में एक एयरपोर्ट भी है। कोलकाता से बाई एयर गया आने के लिए बस 3000 रुपीज़ ही लगता है, जो काफ़ी सस्ता है। बिहार की राजधानी पटना से गया की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जहां से गया के लिए सीधी बसें भी चलती है। फिलहाल हमारा ट्रेन गया जंक्शन की प्लेटफॉर्म ले चुका है और इस तरफ है गया स्टेशन की 2 नंबर प्लेटफॉर्म। ये रहा शियालदा अजमेर एक्सप्रेस, जिस ट्रेन से हम लोग गया जंक्शन तक आए हैं। ये ट्रेन जो है अभी गया जंक्शन की 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, जहाँ से हमारा गया की जर्नी शुरू होता है। गया शहर का उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। इसकी पूर्व में फाल्गु नदी बहती है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में ये शहर गहरा ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। गया जंक्शन से निकलने के बाद आसानी से हमें ऑटो मिल गया और ऑटो लेकर हमारा पहला डेस्टिनेशन था शौराजपुरी रोड पे भारत सेवाश्रम संघ का ऑफिस, जो कि रेलवे स्टेशन से बस 1 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ पे रहने के लिए निशुल्क से लेकर अलग अलग तरह का व्यवस्थाएं है, जिसके बारे में इसी वीडियो में हम डिटेल में आगे जाके आपको जानकारी देंगे। रहने के सुविधा के साथ भगवान के प्रसाद के तौर पे यहाँ पे खाना भी दिया जाता है, जो संपूर्ण निशुल्क है। भारत सेवाश्रम संघ की जय। सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। हालांकि संघ के दिए गए कक्ष में सामान रखकर मैं निकल गया, क्योंकि आज पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए इसी गया में मुझे पिंडदान करना है, जिसकी सारी सुविधाएं भारत सेवाश्रम संघ प्राप्त करवाती है। अगर कोई चाहे तो बिना संघ का भी सीधा गया में आकर पिंडदान कर सकता है। बिहार के गया एक ऐसा शहर है जिसकी हवाओं में भी आस्था का महक है। हिंदू माइथोलॉजी में काशी, हरिद्वार और गया को मोक्ष का स्थान कहा जाता है, इसीलिए भारत के हर एक कोने से हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आता रहता है। गया की 45 जगहों पर पिंडदान और 8 जगह पर श्राद्ध होता है। यहाँ पिंडदान के लिए सबसे प्रमुख स्थल है विष्णुपद मंदिर, जहाँ पे मैं अभी आ गया हूँ। अपने बेहतरीन आर्किटेक्चर और फाल्गु नदी के किनारे बना ये मंदिर गया आने वाले भक्तों में काफी मशहूर है। कहावत ऐसा है कि राक्षस गया सुर के वध के समय
इस जगह पर भगवान विष्णु का पदचिन्ह छूट गए थे। माना जाता है कि भगवान विष्णु का पदचिन्ह आज भी इस मंदिर में मौजूद है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पैर के निशान हैं। 1787 में इंदौर के महारानी अहिल्याबाई ने इस विष्णुपद मंदिर को बनवाया था। इसीलिए गया घूमने आने वाले सैलानियों के लिए ये मंदिर एक खास देखने वाली स्थान है और यहीं पे आज हम पूर्वजों के लिए पिंडदान करने वाले हैं। कुछ पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान राम के पिता दशरथ का भी पिंडदान यहीं पे किया गया था। लेकिन ये तो रहा गया की महत्व के बात, लेकिन क्या आपको पता है गया का नाम मोक्षस्थली कैसे पड़ा? बताते हैं आगे, बिना स्किप करे वीडियो को यहाँ से देखते रहिए क्योंकि बाकी है काफी सारा जानकारी और साथ में मेरे हाथों से दिए गए पिंडदान की सीधी कवरेज। पुराणों के अनुसार गया में गयासुर नाम का एक राक्षस था। गयासुर को उसके तपस्या के कारण उसे वरदान मिला था कि जो भी उसे देखेगा या स्पर्श करेगा उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा और वो सीधा विष्णुलोक जाएगा। इसके वजह से मृत्यु के बाद सभी का यमलोक में आना बंद हो गया और यमराज चिंता में पड़ गए। तब जाके यमराज ने भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिवजी से कहा कि गयासुर के वजह से अब पापी व्यक्ति भी वैकुंठ जाने लगे हैं। परिस्थितियों को समझते हुए भगवान ब्रह्मा ने गयासुर को कहा कि तुम परम पवित्र हो और भगवान तुम्हारे ऊपर बैठकर यज्ञ करेंगे। उसके बाद गयासुर के ऊपर सभी देवता और गदा धारण कर भगवान विष्णु विराजमान हो गए। गयासुर के ऊपर एक बड़ी शिला भी रखी गई थी जिस शिला को आज प्रेत शिला कहा जाता है। गयासुर के इस समर्पण से भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि अब से ये स्थान जहाँ पे तुम्हारे शरीर के ऊपर यज्ञ हुआ है गया के नाम से जाना जाएगा। साथ ही यहाँ पे पिंडदान और श्राद्ध करने वाले को पुण्य प्राप्त होगा और जिसका श्राद्ध या पिंडदान गया में हुआ हो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इसी बारे में और जानकारी लेने के लिए मैंने विष्णुपद मंदिर के पुजारी श्री दुर्गा प्रसाद जी से भी बात किया, तो सुन लेते हैं उनकी जुबानी। गया याम पिंडदाने च त्रिभी पुत्र पुत्रस्ता, माता पिता अपने पुत्र से आशा करते हैं, तीन आशा करते हैं, जीवते भाग पालनते मृताय भूरी भोजनम, गया याम पिंडदाने च त्रिभी पुत्र पुत्रस्ता, गया जी में आके जो पिंडदान देते हैं वही पुत्र कहलाने का अधिकारी होते हैं। यहाँ पे देवता और दानव दोनों को समान पूजा दी गई है। यहाँ पे पिंडदान देने से 7 गोत्र 121 कुल का उद्धार होता है। यहाँ पे भगवान विष्णु स्वयं गदाधर रूप में आए हैं, उन्होंने गयासुर को अपने दाहिना पांव से दबा रखे हैं। विदेश से भी लोग यहाँ अपने पितरों का पिंडदान देने आते हैं। यहाँ 45 स्थान पे पिंडदान होता है। सबसे पहले फल्गु जी के नदी पे, दूसरा भगवान विष्णु के मंदिर में प्रेत शिला, 16 वेदी, सीता माता का मंदिर, मुंडपिष्टा आदि गया, ध्वजपद, बोध गया, प्रेत शिला, बैतरणी तालाब और अक्षयवट में पितरों के नाम से सुखसैया दान किया जाता है। फाल्गु नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर गया। पिंडदान करने से पहले इसी फाल्गु नदी का पवित्र जल मैं लेकर आया क्योंकि यही जल पिंडदान पे व्यवहार किया जाता है और उसके बाद मेरे दिए गए पिंडदान के प्रक्रिया यहाँ से शुरू होता है। ये है गया का मशहूर अक्षय वटवृक्ष। ऐसा कहावत है कि माँ सीता की वरदान मिलने से ये वृक्ष जो है ये अमर बन चुका है। गया आने वाली सभी भक्त इस वृक्ष में कपड़े के धागे बांधते हैं जिसे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है।
यहाँ पर बैठे हुए पुजारी रोज इस वृक्ष का पूजा करते हैं। कभी भी नष्ट नहीं होगा ये वृक्ष, उसी का चलते इस वृक्ष का नाम हुआ है अक्षय बट वृक्ष। अक्षय यानी जिसका कभी भी क्षय ना हो। तो ये है गया की इस अक्षय बट वृक्ष की कहानी। अक्षय बटवृक्ष के बाद अभी हम लोग जाएंगे गया की प्रेतशिला में। यहाँ से तकरीबन 800 सीढ़ी है जो हमें प्रेतशिला तक ले जाएगी और बाएं तरफ ये है मुर्दों की तस्वीरें। दुर्घटना के कारण अगर किसी का मृत्यु हो रहा है तो उस मृत व्यक्ति की पिंडदान करने के लिए इस प्रेतशिला में आना होता है। मेरा निवेदन ये है कि दिल के मरीज और जिनके दिल कमजोर है वो यहाँ से इस वीडियो को आगे ना देखे। इस प्रेतशिला के बारे में कहावत ऐसा है कि दुर्घटना में मरने वाले मृत व्यक्ति की आत्मा यहाँ पर हाथ आगे बढ़ाकर पिंड ग्रहण करता है। ये जानकारी प्राप्त होने के बाद ये सीन मुझे भी काफी डरावना लगा। तो चलते हैं आगे और ये 800 सीढ़ी अतिक्रम करके हम लोग आखिर आ गए हैं इस प्रेतशिला के ऊपर। और यहाँ से देखिए चारों तरफ दूर दूर तक पूरा गया शहर दिख रहा है, क्योंकि काफी ऊंचे स्थान पे हम लोग हैं। तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं चारों तरफ का नजारा। तो फ्रेंड्स ये थी प्रेतशिला की कहानी। और यहाँ से आगे जाने से पहले यहाँ पे उपस्थित पुजारी जी से एक बार जानकारी ले लेते हैं। माँ बाबा पितृ पुरुषे नामे जो तो जे मरा जाए सबई नामे पिंडी दिले एखाने मुक्ति है, अन्य जगह दिले और मुक्ति नहीं। और जरा आपो मृत्यु मारा गिलो बीस के आगुन लग गए सर्प घात हो एक्सीडेंट हो जे मारा जाए तारा पिंडी एखाने दिले और प्राणी के मुक्ति। एटा हलो ब्रह्माचरण देखो पिंडदान करने के बाद हम लोग वापस आ गए वही भारत सेवाश्रम संघ में। और ये है विजय लड्डू भंडार जहाँ पे हम लोगों का चल रहा है इवनिंग स्नैक्स। ये है गया की विजय लड्डू भंडार। और जैसा वीडियो का शुरू में मैंने आपको बताया था कि भारत सेवा संघ में अगर आप रहना चाहे और साथ में पिंडदान की सुविधाएं उपलब्ध करना चाहते हैं तो सेवा संघ की इस ऑफिस पे लगा हुआ नंबर पे संपर्क करें। उसके बाद भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो
आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करें। तो फ्रेंड्स, गया का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। और कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगले ही एपिसोड में हम लोग आपसे मिलेंगे बोध गया पे। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय।